सरकार हम लोग के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? कभी कभी सुनते तो मेरे आँख से आंसू गिरता, आत्मा फटता है, बहुत रोने का मन करता है कि हम लोग के साथ अन्याय किया, क्या कर रहे हैं? आप लोग को जान देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये 1778 युवा 38 जिलों में जा जाकर उस सरकार को गिराएगी। वो बोलते आयोग में जाइए, आयोग जाता कहता कि नीतीश से मिलिए, और नीतीश कहता आयोग में मिलिए, हम लोग को ढोलक बनाती है। आयोग और सरकार दोनों मिल के हम लोग साथ में खेल खेल रही है। 38 जिला में समाधान यात्रा में हम लोग सभी जगह लेटर दिए सीएम सर। ये युवा को बर्बाद नहीं किए हैं, ये पूरा परिवार को बर्बाद किए हैं सरकार, पूरा परिवार को बर्बाद कर दिए, 1778 घर परिवार को बर्बाद किए हैं। सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार आयोग के पास भेजती है, आयोग सरकार के पास भेजती है, और यही प्रक्रिया चल रहा है एक साल से। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं और यहाँ पे देखिए तमाम जो अभ्यर्थी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कहें तो BSSC के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे। देखिए क्या मांग है, क्यों धरना पर बैठे, कब वैकेंसी निकाली गई थी, सब क्या दिक्कत हुआ भैया धरना स्थल। हम लोग बिहार SSC 2014 का बहाली है और इसमें 13,120 पोस्ट था जो हम लोग एग्ज़ाम दिए और क्वालिफाई किए, PT दिए, मेंस दिए, टाइपिंग दिए, और लास्ट प्रक्रिया इसका होता है वेरिफिकेशन जो हम लोग करा चुके हैं, और उसके बाद भी 1778 स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया है। पिछले एक साल से हम लोग इस आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार आयोग के पास भेजती है, आयोग सरकार के पास भेजती है, और यही प्रक्रिया चल रहा है एक साल से। हम लोग 2 दिन 25 और 26 को धरना प्रदर्शन से सरकार को कहना चाहते हैं कि हम लोग 9 साल की जो बहाली है इसको 1778 स्टूडेंट को जो मांग है उसका मांग हम लोग मांगते हैं सरकार के, और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोग भटक रहे हैं 9 साल से उसको पूरा करें। क्या पूरा करें, 9 साल से भटक रहे हैं, 9 साल से भटक रहे हैं, हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं सरकार, हम लोग के साथ जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं। 1778 युवाओं को घर से बेघर कर दिया गया है, युवाओं को नहीं, ये घर परिवार को बर्बाद कर दिए हैं। ये युवा को बर्बाद नहीं किए हैं, ये पूरा परिवार को बर्बाद किए हैं सरकार, पूरा परिवार को बर्बाद कर दिए, 1778 घर परिवार को बर्बाद किए हैं, और यही परिवार युवा लोग को सरकार को गिराएगी। यदि हम लोग 1778 को यदि मांग नहीं पूरी होगी तो ये 1778 युवा 38 जिलों में जा जाकर उस सरकार को गिराएगी, जी गिराएंगे। यदि युवा ये कहते हैं कि हम युवा के सरकार है और युवा को ही बर्बाद करते जा रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि 1778 को बर्बाद करने का कारण क्या है। सीट खाली भी है और सीट खाली रहने के बावजूद भी हम लोग के घर से बेघर कर दिया गया है, ये घर से बेघर कर दिया, उम्र भी खत्म हो चुका कि कोई फार्म भरे, फार्म भरने लायक भी नहीं छोड़ा गया है। जी समाधान यात्रा में नीतीश कुमार 38 जिलों में हम लोग दिए थे कि दिए एप्लीकेशन कि हम लोग 3800 जिला में हाथ में लेटर दिए हैं, लेकिन वो बोले कि आप लोग को सुना जाएगा, बात सुना जाएगा, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते आयोग में जाइए, आयोग जाता कहता कि नीतीश से मिलिए, और नीतीश कहता आयोग में मिलिए, हम लोग को ढोलक बना दिए हैं। दस आयोग नीतीश कर रहे हैं, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार हम लोग के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। कभी कभी सुनते तो मेरे आँख से आंसू गिरता, आत्मा फटता है, आत्मा फटता कि हम लोग घर परिवार आशा लगाए हुए हैं कि बेटा को जॉब होगा, लेकिन कभी बहुत रोने का मन करता है कि हम लोग के साथ अन्याय किया, क्या कर रहे हैं, आप लोग को जान देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। 1778 के बेघर करते घर परिवार करा के अब बेटा को नौकरी होगा, लेकिन खाली बस ढोल बजा हुआ कि हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्या किया जाए, अब जान देने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, हम क्या करेंगे, अब हम लोग कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ऑप्शन कहाँ बचा है सर, उम्र पूरा पार हो गया, आयोग बोलता कि सरकार के पास जाइए, सरकार कर देगा, सरकार बोल रहा है कि आयोग के पास, हम कहते हैं सरकार को कि आयोग को जांच करवाइए, पिछला BSSC के चेयरमैन था जो अभी तक जेल में है भ्रष्टाचार के कारण, और अभी भी हमको लग रहा है कि भ्रष्टाचार के कारण सीट रखा हुआ है, किसी ढंग से वो काम करेगा अंदर से, और हम लोग को सब कुछ करने के बाद ओरिजिनल लड़का को बाहर किए हुए। ओरिजिनल देखिए आपके सहयोगी हैं, बहुत दर्द है अंदर सर, आप लोग तो देख ही रहे हैं, हम लोग एक बार नहीं इस एग्जाम जब से शुरू हुआ PT कराने के लिए, PT का रिजल्ट पास करवाने के लिए, मेंस का फिर रिजल्ट पास करवाने के लिए, यानी फाइनल तक हम लोग हर जगह समय पे धरना किए हैं, आंदोलन किए हैं, तभी आयोग कुछ किया है। और जब आप फाइनल रिजल्ट की बात आई तो लगभग 2000 सीट खाली रख के हम लोग का सारा चीज़ में सफल होते हुए आयोग अपनी काला धंधा चलाने के लिए अपनी
ब्लैक से सीट को भरने के लिए हम लोग को रोड पे छोड़ दिए हैं, रोड पर छोड़ दिए भटकने, रोड पर छोड़ दिया। देखिए भटकने के लिए रोड पर छोड़ दिए, रोड पर छोड़ दिया है सरकार भटकने के लिए। क्या किया जाए, अब तो हम लोगों के पास रोड, अब तो लग रहा है जैसे रोड पर भी बैठने का कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, ये भी ऑप्शन खत्म बचा है। अब तो लग रहा है कि जाकर के कहीं पे आत्मदाह कर लिया जाए, ना उम्र बचा है, ना कोई फॉर्म भर सकते हैं, ना कुछ है। अब आयोग और सरकार दोनों मिल के हम लोग साथ में खेल खेल रही है। 38 जिला में समाधान यात्रा में हम लोग सभी जगह लेटर दिए सीएम सर को, सीएम सर जबकि अपने अधिकारियों को भी 38 जिला में लेटर दिए, और सीएम सर को जब हम लोग बोले हैं, लेटर पढ़े हैं, तो वो बोले भी अपने अधिकारियों को और अपने मंत्रियों को बोले हैं कि ये काफ़ी पुरानी बहाली है, इसको क्लियर करवाइए। हम लोग एक सामने में बोलते हैं और उसके बाद पीछे जा करके देखिए हम लोग को भी टहलावा दिया जा रहा है, टहला रहा है सरकार के लोग टहला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 38 जिला में दिया गया था लेकिन अभी तक कुछ फायदा का निष्कर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, 9 साल हो गया। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, देखिए एक महिला अभ्यर्थी हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, कितना दिक्कत है, कितना परेशानी है। सर बहुत परेशानी, हम लोग 9 साल से यही झेल रहे हैं धरना, आज तक हम लोग का BSSC कोई भी काम बिना धरना बिना आंदोलन के नहीं किए, और अभी भी हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। बिहार BSSC आप लोग के साथ धरना करना ही पड़ रहा, हर चीज में धरना, और हम लोग यहाँ तक कि 70 विधायक का लेटर, हर सत्तर विधायक का लेटर लिखवाए हैं नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में, हर एक जगह लेटर लिखा, जितने भी विधायक से मिला जा रहा सब यही बोल रहे कि आपका काम होगा, पर कब होगा ये हम लोग को तो बताएं। 9 साल प्लस हो रहा है सर हम लोग को, प्लस हम लोग के पास अब जीने का कोई सहारा ही नहीं, लगता है कि सरकार इच्छा मृत्यु दे दे यही हम लोग के लिए बहुत होगा, क्योंकि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सरकार, कोई तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी भाग धरना स्थल पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार का है तो वो इच्छा मृत्यु दे दे, बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्टूडियो के साथ। धन्यवाद कि सरकार हम लोग के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, कभी कभी सुनते तब मेरे आँख से आंसू गिरता, आत्मा फटता है, बहुत रोने का मन करता है कि हम लोग के साथ अन्याय किया, क्या कर रहे हैं, आप लोग को जान देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये 1778 युवा 38 जिलों में जा जाकर उस सरकार को गिराएगी, वो बोलते आयोग में जाइए, आयोग जाता कहता कि नीतीश से मिलिए, नीतीश कहता आयोग में मिलिए, हम लोग को ढोलक बना दिए। आयोग और सरकार दोनों मिलकर हम लोग साथ में खेल खेल रही है। 38 जिला में समाधान यात्रा में हम लोग सभी जगह लेटर दिए सीएम सर, ये युवा को बर्बाद नहीं किए हैं, ये पूरा परिवार को बर्बाद किए हैं सरकार, पूरा परिवार को बर्बाद कर दिए, 1778 घर परिवार को बर्बाद किए हैं। सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार आयोग के पास भेजती है, आयोग सरकार के पास भेजती है, और यही प्रक्रिया चल रहा है 1 साल से।